बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल दी पार्टिसिपेंट्स ऑफ दिस वालेकुम। वेबिनार। आई एम डॉक्टर फरा एंड ऑन बिहाफ ऑफ पीजीएमआई आई वेलकम यू ऑल टू दिस वेबिनार। आई होप आई एम क्लियरली ऑडिबल टू एवरीवन। इफ यस, इफ यू कैन प्लीज रेज योर हैंड्स। ओके, थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेबिनार। दिस वेबिनार इज फॉर अ स्पेशल ग्रुप ट्रेनीज हु वॉन्ट टू जॉइन द सब स्पेशलिटी। द वेबिनार विल बी हैविंग टू पार्ट्स। पार्ट वन विल बी फॉर द इंडक्टीज ऑफ जुलाई 2022 एंड पार्ट टू ऑफ द वेबिनार विल बी फॉर द इंडक्टीज ऑफ जुलाई 2023। स्टार्टिंग विद द पार्ट वन ऑफ वेबिनार। दिस वेबिनार इज फॉर द ट्रेनीज ऑफ सब स्पेशलिटी which means that who have completed 2 years of training in medicine or in surgery, either as a medical specialty resident or a surgical specialty resident. And now they have to move to subspecialty. इसमें जो majority of the लोग हैं वो जुलाई 22 के inductees हैं and 30th June को उनकी 2 years की training complete हो जाएगी pre-IMM either in medicine or in surgery and now they will be offered subspeciality slots. इसमें एक जो दूसरा छोटा ग्रुप है वो लोग हैं जिन्होंने हमें जुलाई 22 के बाद ज्वाइन किया either in January 23 और जुलाई 23 और in January 24। लेकिन हमें ज्वाइन करने से पहले उन्होंने कुछ ट्रेनिंग की भी थी जिसको सीपीएसपी ने रिकग्नाइज कर लिया एंड बिकॉज ऑफ देयर प्रीवियस ट्रेनिंग एंड देयर करंट ट्रेनिंग देयर 2 ईयर्स आर गोइंग टू कंप्लीट ऑन 30th जून। सो दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दिस सब स्पेशलिटी इंडक्शन। बट ऑल ऑफ देम मस्ट बी ऑन पीजीएमआई पे रोल विच मीन्स दैट दे मस्ट बी गेटिंग स्टाइपेंड फ्रॉम पीजीएमआई। Anyone who is not getting stipend from PGMI and they have applied in the journal induction and appeared in test of this session, current session, they will be given the opportunity to join subspecialty, but that will be at some other occasion. They will be called to PGMI and subspecialty slots will be offered to them. So they should keep visiting the PGMI official website for latest updates. Without wasting any time, we move ahead first to the final merit list, which was displayed on PGMI official website yesterday. I will be sharing my screen. I hope the merit list of July 22 inductees is visible to all. These are all the trainees who have completed 2 years pre-IMM training and now they will be offered subspecialty slots. इसमें जो है इम्पोर्टेंट चीजें जो हैं दैट इज द पोर्टल ओपनिंग टाइम। द पोर्टल विल बी ओपन टुडे एट 3 PM एंड इट विल बी क्लोज्ड ऑन 13th जून एट 4 PM। इस मेरिट लिस्ट के पर हम थोड़ी देर में वापस आएंगे बट फर्स्ट वी मूव ऑन टू फिलिंग द पोर्टल फॉर प्रेफरेंसेस एंड चॉइसेस। प्रेफरेंसेस फिल करने का तरीका ये है कि आपने पीजीएमआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। वहां पे एक स्टैंडर्ड एमआईएस लॉगिन का बटन है जिसको क्लिक करने से आपके पास ये वाले एक पेज ओपन हो जाएगा। जितने भी जुलाई 22 के हमारे पास इंडक्टीज हैं दे हैव ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड सो दे जस्ट हैव टू लॉग इन। जब आपकी जुलाई 22 में इंडक्शन हुई थी वो इसी पोर्टल के थ्रू हुई थी और उस वक्त भी आपने अपना सीएनआईसी और पासवर्ड सेट किया था। आपने वही सीएनआईसी और पासवर्ड डालना है। आपके किसी पुरानी ईमेल में भी वो पड़ा होगा लेकिन अगर आपको भूल गया है अपना पासवर्ड देन यू कैन यूटिलाइज द फॉरगॉट ऑप्शन। आई विल बी फिलिंग द अडमी सीएनआईसी इन ऑर्डर टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड। एनआईसी पासवर्ड आप जब एंटर कर लें तो उसमें आपको फिर यू हैव टू लॉग इन। जब आप लॉग इन हो जाते हैं आपको अपना डैशबोर्ड विजिबल होता है। आपका नेम है, आपकी जो सेशन है, योर कोटा
and your specialty, everything is mentioned. These are all the details which you entered while you were applying for the fresh induction in July 22 session. यहाँ पर एक रेड लाइन में एक इम्पॉर्टेंट बात मेंशन्ड है. यू हैव नॉट सबमिटेड योर प्रेफरेंसेस अप टिल नाउ. इफ यू डोंट सबमिट द प्रेफरेंसेस यू विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम स्लॉट एलोकेशन प्रोसेस. बाज लोग ये सोच रहे होते हैं कि घर में बैठे ही उनको इंडक्शन मिल जाएगी, बट दैट इज नॉट पॉसिबल. अनलेस एंड अंटिल यू फिल द प्रेफरेंसेस पोर्टल, हम आपको स्लॉट एलोकेशन नहीं कर सकते जब तक कि आप प्रेफरेंसेस नहीं देंगे. वी मूव अहेड टू दिस ब्लू बटन. इसको जब आप क्लिक करेंगे प्रेफरेंसेज एंड चॉइसेस सिलेक्शन, तो हमारे पास जो है आपकी जितनी भी डिटेल्स हैं, आपका नेम, CNIC, योर मेडिकल स्पेशलिटी ग्रुप बी विल बी मैंशनड. यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है, प्लीज सिलेक्ट योर प्रेफरेंसेज एंड चॉइसेज बाय पुटिंग 1 to 19, एंड इफ यू डू नॉट वांट टू ऑप्ट अ यूनिट राइट 0 इन द प्रेफरेंसेज चॉइसेज बॉक्स. ग्रुप बी में जितनी स्पेशलिटीज हैं वो सब मुझे यहाँ पे विजिबल हैं. कार्डियोलॉजी में जितने यूनिट्स हैं जहाँ पर हमारे पास स्लॉट्स अवेलेबल हैं वो विजिबल हैं. इसी तरह डर्मेटोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी एंड क्लिनिकल हेमाटोलॉजी. तो जो भी आपकी चॉइसेस हैं वो आपने अकॉर्डिंगली फिल करनी है. मेरी फर्स्ट चॉइस इज डर्मेटोलॉजी. आई वुड लाइक टू एंटर डर्मेटोलॉजी LRH एज माय प्रेफरेंस नंबर 1, KTH एज माय प्रेफरेंस नंबर 2, CMH पिशावर एज प्रेफरेंस 0. जहां आपने नहीं जाना यू सिंपली राइट 0. सॉफ्टवेयर विल नेवर अलॉट यू दिस स्लॉट. HMC आई डोंट वांट टू गो. बाकी ये कि आपकी अपनी चॉइस है, आप जिस तरह भी इसको फिल करना चाहें. नेक्स्ट आई वुड लाइक टू फिल द कार्डियोलॉजी यूनिट. मेरी लास्ट चॉइस नंबर जो है वो 2 थी, तो LRH में कार्डियोलॉजी यूनिट ए में आई वुड लाइक टू एंटर 3, यूनिट बी कार्डियोलॉजी 4. मर्दान मैंने नहीं जाना, आई वुड एंटर 0. सैदू भी मैंने नहीं जाना, आई वुड एंटर 0. बट आप के जहन में ये बात रहे कि आप जब अपनी प्रेफरेंसेस देते हैं दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू योर मेरिट. अगर मेरा मेरिट अच्छा होगा तो सारी बात है मुझे अपनी शुरू की प्रेफरेंसेस मिलेंगी, और अगर मेरा मेरिट नंबर 1 है तो इट इज लॉजिकल कि मुझे अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी. लेकिन अगर मेरा मेरिट नंबर लो है तो मुझे ये सोचना चाहिए कि मैं अपनी प्रेफरेंसेस ज्यादा देनी है. अगर मैं अपनी प्रेफरेंसेस बहुत लिमिटेड दूंगी विद अ लो मेरिट नंबर, तो उसका नतीजा ये होगा कि आपको तो कोई स्लॉट नहीं मिलेगा, लेकिन आपसे नीचे मेरिट वाले लोगों ने जिन्होंने प्रेफरेंसेस ज्यादा दी होंगी सॉफ्टवेयर उनको स्लॉट अलॉट कर देगा. एंड देन यू कैनॉट क्लेम कि जी मेरे से लो मेरिट वाले लोगों को तो आपने स्लॉट दे दिया है, आप मुझे भी स्लॉट दे दें. दिस इज नॉट पॉसिबल. जहां आप 0 लिखेंगे सॉफ्टवेयर कभी भी आपको यूनिट अलॉट नहीं करेगा. सो आई मूव अहेड विद माई फर्दर प्रेफरेंसेज. PIC इज माई 5th प्रेफरेंस. And unit A is 5th and unit B is 6th preference. And IU teaching hospital is, मैंने नहीं जाना, I would enter 0. KTH is my 7th. HMC is 8th, unit B. And unit A is 9th. Northwest, I don't want to go, I would enter 0. And RMI, I don't want to go, I will enter 0. इसी तरह मेडिकल ऑन्कोलॉजी में जो है KTH जो था लास्ट चॉइस नंबर मेरी 9 थी, तो KTH में I would enter 10. एंड CMH मेडिकल ऑन्कोलॉजी, CMH रावलपिंडी, I don't want to go, so I will enter 0. क्लिनिकल हेमाटोलॉजी की स्लॉट्स भी आपको विजिबल हैं, तो अगर आपने जाना है तो वेल एंड गुड, यू एंटर 11. अगर नहीं जाना तो आप इसमें 0 एंटर कर सकते हैं. जब आप सारी प्रेफरेंसेस अपनी डाल लें तो यू रीचेक जितने भी आपने एंट्री की है कि अगर आपको चेंज करना चाहते हैं यू स्टिल हैव टाइम, यू कैन रिपीट द एक्सरसाइज एज मेनी टाइम्स एज यू लाइक. आप जहाँ पे भी कोई चेंजेस करना चाहें आप कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, और उसको आप रीचेक कर सकते हैं. यहाँ पर मैंने अपनी लास्ट चॉइस नंबर 11 डाली है, बाकी मैंने 0 किए हैं. तो नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास सेव प्रेफरेंसेस का ये ग्रीन बटन है, जिसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा प्रेफरेंसेस सेव सक्सेसफुली. लेकिन एक दफा फिर आपको चांस दिया जा रहा है
कि आप अपनी प्रेफरेंसेस को रिव्यू कर सकें। यहाँ रेड लाइन में एक नोट मेंशन है, यू हैव नॉट सबमिटेड योर प्रेफरेंसेस अप टिल नाउ। बाज लोग ये एज्यूम करते हैं कि जो हमने पहले ग्रीन बटन क्लिक किया था उसके बाद आपकी प्रेफरेंसेस सेव हो गई, बट इट इज नॉट लाइक दैट। आपने दोबारा से अपनी प्रेफरेंसेस यहाँ से रिव्यू करनी है। प्लीज रिव्यू योर प्रेफरेंसेस केयरफुली एंड देन सबमिट बाय यूजिंग बटन एट लेफ्ट बॉटम। इफ यू डोंट सबमिट द प्रेफरेंसेस यू विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम स्लॉट एलोकेशन प्रोसेस। आप अपनी प्रेफरेंसेस को दोबारा देख लें यहाँ पे, एंड अगर आपने कोई चेंजेस करने हैं तो आपके पास यहाँ पर चेंज माई प्रेफरेंसेस यानी कि एडिट, एक तरह से एडिट का ये ऑप्शन अवेलेबल है। यू क्लिक इट एंड यू चेंज योर प्रेफरेंसेस अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। उसके बाद आप बिल्कुल जब श्योर शॉट हो जाएं तो फिर आपने जो है ये जो ग्रीन बटन है इसको क्लिक करना है, और इसके ऊपर एक इम्पॉर्टेंट नोट मेंशन है, प्लीज सबमिट वंस यू फाइनलाइज योर प्रेफरेंसेज एंड चॉइसेस। दिस विल लॉक योर प्रेफरेंसेज एंड एन ईमेल विल बी सेंट टू यू ऑन योर प्रोवाइडेड ईमेल। यू विल नॉट बी एबल टू चेंज ऑल्टर योर चॉइसेस आफ्टर सबमिशन। जब आप इसको लॉक कर लेंगे तो आपको एक ईमेल चली जाएगी, एंड उस ईमेल में आपकी सारी चॉइसेस मेंशन होंगी, और इसको क्लिक करने के बाद यू विल नॉट बी एबल टू चेंज योर प्रेफरेंसेस। दिस इज द लास्ट चांस जब आपको ये मौका दिया जा रहा है कि आप अपनी प्रेफरेंसेस को रिव्यू कर लें। सो आई क्लिक, दोबारा से एक पॉपअप मैसेज आया कि आर यू श्योर टू सबमिट योर प्रेफरेंसेस एंड चॉइसेस, इफ यू आर श्योर यू गो विद ओके। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा आप वेट कर लें। योर प्रेफरेंसेस हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली एंड ईमेल हैज बीन सेंट टू योर प्रोवाइडेड ईमेल। आप अपने जीमेल में जाके फिर चेक भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ पे चेक किया है। यहाँ पे ईमेल आई हुई है और जितनी प्रेफरेंसेस मैंने डाली थी वो यहाँ पे मेंशनड है। वी कम बैक टू द फाइनल मेरिट लिस्ट एंड फाइनल मेरिट लिस्ट में ऊपर जो है आप जुलाई 22 वाले जो इंडक्टीज हैं उनके लिए ओपनिंग क्लोजिंग टाइम मेंशनड है, ये एक्सटेंड नहीं होगा। प्लीज बी वेरी केयरफुल, आपको जो टाइम दिया जा रहा है दिस इज सफिशिएंट इनफ। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ये है कि इफ एनी प्रॉब्लम इन सबमिशन ऑफ प्रेफरेंसेज एंड चॉइसेस प्लीज कॉन्टेक्ट पीजीएमआई हेल्पलाइन। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे अपना प्रॉब्लम भेजने का तरीका ये है दैट यू राइट योर नेम, योर CNIC एंड यू टाइप योर प्रॉब्लम। प्लीज अवॉइड सेंडिंग वॉइस मैसेजेस एंड अवॉइड कॉलिंग ऑन दिस नंबर। If your problem could not be solved in spite of PGMI helpline support, visit PGMI office till 2 PM on 13th June with your laptop and PGMI technical team will submit it for you. On arrival, contact Mr. Junaid Asayan. After 2 PM, no applicant will be entertained. Beware, the closing time will not be extended. Next, हमारे पास स्लॉट एलोकेशन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। स्लॉट एलोकेशन विल बी मेड थ्रू सॉफ्टवेयर। Please log in to your PGMI MIS account. Carefully fill the portal for preferences and lock your preferences before closing date and time. Once preferences are submitted, it's not possible to reopen it for any change. Please put your preference number against all slots as per your choice and put zero against slots you don't want to opt out. There is no option of surrender. स्लॉट वंस अलॉटेड विल बी फाइनल। आई रिपीट, यहाँ पे सरेंडर का कोई ऑप्शन नहीं है, आपको जो स्लॉट मिल जाएगा वही आपका फाइनल स्लॉट होगा। दोज हु गेट स्लॉट इन स्लॉट एलोकेशन प्रोसेस आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी अदर स्लॉट इन दिस सेशन एंड इन द नेक्स्ट सेशन एज पर पॉलिसी। ऑल दोज एप्लीकेंट्स हु फेल टू सबमिट देयर प्रेफरेंसेस ऑन पोर्टल बिफोर क्लोजिंग विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम स्लॉट एलोकेशन प्रोसेस। तो इस लिस्ट में जितने भी लोगों का नाम है दे विल बी फिलिंग दी प्रेफरेंसेस पोर्टल टूडे जब ये ओपन हो जाएगा एट 3 PM। सो दिस वॉज द एंड ऑफ पार्ट वन ऑफ दिस वेबिनार। नाउ आई मूव ऑन टू द पार्ट टू ऑफ द वेबिनार, दैट इज फॉर द इंडक्टीज ऑफ जुलाई 23। तो हमारे पास इंडक्टीज ऑफ जुलाई 23 हैं, उनकी मेरिट लिस्ट भी हमने पीजीएमआई ऑफिशियल वेबसाइट पे शेयर कर दी थी। एंड इस
इसमें जो है आपको जो भी इस बैच से ताल्लुक रखते हैं उनको पता होगा कि जो सीपीएसपी की जो नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पे दी गई है उसके मुताबिक 1+4 फॉर्मूला है जो कि इन लोगों पे एप्लीकेबल है, विच मीन्स दैट 1 ईयर दे स्पेंड इन सर्जरी एंड 4 ईयर्स दे स्पेंड इन आइदर न्यूरो सर्जरी और इन ऑर्थोपेडिक। इसमें जो है हमारे पास इनका पोर्टल जो ओपनिंग टाइम है दैट इज सेम, इट विल बी ओपन टुडे एट 3 PM एंड इट विल बी क्लोज्ड ऑन 13th जून एट 4 PM। इनके पोर्टल में जो स्लॉट्स विजिबल होंगे दैट विल बी ओनली इन ऑर्थोपेडिक्स बोथ फॉर ग्रुप ए एंड बी एंड न्यूरो सर्जरी ओनली फॉर ग्रुप ए। फॉर सर्जरी एंड अलाइट इंडक्टीज ऑफ जुलाई 23 इन पर्सन ऑफ द सीपीएसपी नोटिफिकेशन नंबर एज मेंशन्ड। इनके लिए हम दोबारा से मैं एक प्रेफरेंसेस पोर्टल जो है फिल करूंगी तो आप लोग। जो भी जुलाई 23 की इंडक्टीज हैं अभी उनकी बात हो रही है, दे शुड वॉच केयरफुली। इनके लिए लॉगिन का तरीका वही है, वो जो MIS लॉगिन का जो स्टैंडर्ड बटन है हमारी वेबसाइट पे वो ये इसको यूटिलाइज करेंगे और सिंपली दे विल लॉग इन बिकॉज दे आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो जब ये लॉग इन कर लेंगे तो इनकी सारी डिटेल्स यहाँ मेंशन होंगी, मेरा सेशन मेंशन है और जुलाई 23 की मैं इंडक्टी हूँ और ओपन मेरिट है सर्जरी एंड अलाइडर। यहाँ पर वही बात रिपीट हुई हुई है कि यू हैव नॉट सबमिटेड योर प्रेफरेंसेस अप टिल नाउ, इफ यू डोंट सबमिट द प्रेफरेंसेस यू विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम स्लॉट एलोकेशन प्रोसेस। तो प्रेफरेंसेस एंड चॉइसेस की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास सर्जिकल स्पेशलिटी ग्रुप ए है जिसमें ऑर्थोपेडिक और न्यूरो सर्जरी दोनों होता है। प्लीज सिलेक्ट योर प्रेफरेंसेस चॉइसेस बाय पुटिंग 1 to 22 एंड इफ यू डू नॉट वॉन्ट टू ऑप्ट अ यूनिट राइट 0 इन द प्रेफरेंसेस चॉइसेस बॉक्स। ऑर्थोपेडिक के में सारे मेंशन है और न्यूरो सर्जरी के भी सारे मेंशन है। अगर मैं ऑर्थोपेडिक में जाना चाहती हूँ आई विल गिव माई प्रेफरेंस अकॉर्डिंगली। तो LRH यूनिट A1, यूनिट B2, यूनिट 3, बनू बनू आई डोंट वॉन्ट टू गो एंड MMC यस आई वॉन्ट टू गो 3 एंड काजी हुसैन अहमद इज 4 एंड सैदू इज 5 एंड कोमल डी खान इज 6, अयूब इज 7 एंड यूनिट ए एंड ऑर्थोपेडिक यूनिट बी आई डोंट वॉन्ट टू गो आई विल राइट 0 एंड KTH यूनिट ए जो है आई डोंट वॉन्ट टू गो आई विल राइट 0 एंड यूनिट बी इज 8 माई 8th प्रेफरेंस। NCMH आई डोंट वॉन्ट टू गो आई विल राइट 0। HMC इज माई 9th प्रेफरेंस यूनिट ए एंड यूनिट बी इज माई 10th प्रेफरेंस। जो भी आपका चॉइस हो आप अपनी मर्जी से इसमें एंटर कर सकते हैं। RMI आई डोंट वॉन्ट टू गो आई विल राइट 0। अगर आपने न्यूरो सर्जरी में जाना है तो ठीक है, नहीं जाना तो इसकी प्रेफरेंसेस भी देना आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, लास्ट चॉइस नंबर मेरा 10 था तो LRH यूनिट ए में आई विल 11, यूनिट बी में 12 एंड मर्दान में 13। सैदू मैंने नहीं जाना आई विल राइट 0। अयूब भी नहीं जाना आई विल राइट 0। KTH आई वुड लाइक टू गो तो आई विल एंटर 14 एंड HMC भी मैंने जाना है तो मैं 15 प्रेफरेंस लिख सकती हूँ। आई वुड रिपीट कि आप जो प्रेफरेंसेज एंटर करते हैं दैट इज अकॉर्डिंग टू योर मेरिट। अगर आपका मेरिट अच्छा है आपको अपनी शुरू की प्रेफरेंसेज मिलेंगी, अगर आपका मेरिट अच्छा नहीं है तो आपको अपनी प्रेफरेंसेज जो है वो ज्यादा देनी चाहिए ताकि आपको स्लॉट एलोकेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। जब आप श्योर शॉट हो जाएंगे आपकी जितनी प्रेफरेंसेज हैं वो आपने रीचेक कर ली हैं, रिव्यू कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सेव प्रेफरेंसेस एंड यू अभी भी आपकी प्रेफरेंसेस सबमिट नहीं हुई हैं, यू हैव नॉट सबमिटेड योर प्रेफरेंसेस अप टिल नाउ, प्लीज रिव्यू योर प्रेफरेंसेस केयरफुली एंड देन सबमिट बाय यूजिंग द बटन एट लेफ्ट बॉटम। इफ यू डोंट सबमिट द प्रेफरेंसेस यू विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम स्लॉट एलोकेशन प्रोसेस। यहाँ पर आप देख लें जहां पर भी आपने नंबर लिखे हुए हैं वो आपको विजिबल हैं और अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं आपके पास ये ब्लू बटन है, आप इसको यूज करके अपनी प्रेफरेंसेस को चेंज कर सकते हैं। अगर आप कंफर्म हैं कि जो प्रेफरेंसेस आपने एंटर की हैं दे आर फाइनल
तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट मेंशन है, प्लीज सबमिट योर सबमिट वंस योर फाइनलाइज्ड योर प्रेफरेंसेस, दिस विल लॉक योर प्रेफरेंसेस एंड ई मेल विल बी सेंड टू यू ऑन योर प्रोवाइडेड ई मेल, यू विल नॉट बी एबल टू चेंज ऑर्डर आफ्टर सबमिशन। इसको क्लिक करने के बाद सिस्टम एक और पॉपअप मैसेज देता है, आर यू श्योर यू वॉन्ट टू सबमिट योर प्रेफरेंसेज, यू सबमिट द ओके बटन एंड योर प्रेफरेंसेज हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली एंड ई मेल हैज बीन सेंट टू दिस आईडी। ओके, अब आप देखें जो पहले रेड बटन था वो सारा ग्रीन हो चुका है, और योर प्रेफरेंसेज हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड एंड योर नेम इज इंक्लूडेड इन स्लॉट एलोकेशन एज पर योर चॉइस एंड मेरिट, प्रेफरेंसेज आर लॉक्ड। जब तक ये रेड लाइन ग्रीन नहीं हो जाती आपने सिस्टम पे रिलाई नहीं करना। आप यहाँ से जाके अपना डैशबोर्ड भी दे सकते हैं, वो देखिए आपने जो प्रेफरेंसेज की जो रेड लाइन थी वो ग्रीन हो चुके हैं, तो इसके बाद यू आर कन्फर्म्ड कि आपने अपनी प्रेफरेंसेज दे दी हैं। दूसरा तरीका कन्फर्म करने का ये है कि आपके पास अपने जो जीमेल है उसमें आप देखें ईमेल आई हुई है और जितनी भी वो थी प्रेफरेंसेस आपकी नजर आ रही हैं ऑर्थोपेडिक और न्यूरो सर्जरी में। ओके, वी अगेन गो बैक टू द फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ जुलाई 23 इंडक्टीज। पोर्टल आज ओपन हो जाएगा @3 PM एंड विल बी क्लोज्ड ऑन 13 जून @4 PM। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इन सबमिशन ऑफ प्रेफरेंसेस, प्लीज कॉन्टैक्ट पीजीएमआर हेल्पलाइन, व्हाट्सएप नंबर है। इस पे मैसेज करने का तरीका ये है कि यू हैव टू राइट योर नेम, योर CNIC एंड यू हैव टाइप योर प्रॉब्लम। प्लीज अवॉइड सेंडिंग वॉइस मैसेजेस एंड अवॉइड कॉलिंग ऑन दिस नंबर। इफ योर प्रॉब्लम कुड नॉट बी सॉल्व इन स्पाइट ऑफ पीजीएमआर हेल्पलाइन सपोर्ट, यू कैन विजिट पीजीएमआर ऑफिस। अगर आपके लैपटॉप में कोई मसला है, आपके इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम है, आपने हेल्पलाइन पे भी रब्ता कर लिया, आपका मसला हल नहीं हो रहा, तो आपके पास एक लास्ट ऑप्शन ये है कि आप पीजीएमआई आ जाए till 2 PM on 13 June विद योर लैपटॉप एंड हमारी जो टेक्निकल टीम है दैट विल सबमिट इट फॉर यू। 2 PM के बाद नो एप्लीकेंट विल बी एंटरटेन, बी वेयर द क्लोजिंग टाइम विल नॉट बी एक्सटेंडेड। जो फाइनल मेरिट लिस्ट है इसके ऊपर स्लॉट एलोकेशन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बातें मेंशन है। स्लॉट एलोकेशन विल बी मेड थ्रू सॉफ्टवेयर, प्लीज लॉग इन टू योर पीजीएमआई एमआईएस अकाउंट, केयरफुली फिल द पोर्टल फॉर प्रेफरेंसेज एंड लॉक योर प्रेफरेंसेज बिफोर क्लोजिंग डेट। वंस प्रेफरेंसेज आर सबमिटेड इट्स नॉट पॉसिबल टू रीओपन इट फॉर एनी चेंज। प्लीज पुट योर प्रेफरेंस नंबर अगेंस्ट ऑल स्लॉट्स एज पर योर चॉइस एंड पुट 0 अगेंस्ट द स्लॉट यू डोंट वॉन्ट टू ऑप्ट। देयर इज नो ऑप्शन ऑफ सरेंडर। आई रिपीट, अगर आपको कोई स्लॉट मिल जाता है इसमें सरेंडर का कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए अगर आप कोई नंबर भी लिखते हैं या 0 भी लिखते हैं बहुत ध्यान से लिखें। स्लॉट विंस अलॉटेड विल बी फाइनल, दोज हु गेट अ स्लॉट इन स्लॉट एलोकेशन प्रोसेस आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी अदर स्लॉट इन दिस सेशन एंड इन द नेक्स्ट सेशन एज पर पॉलिसी। इफ दे डोंट फॉल इन मेरिट एंड डोंट गेट एनी स्लॉट, और इफ दे गेट अ स्लॉट इन ऑर्थोपेडिक और न्यूरो सर्जरी बट डू नॉट अवेल इट, दे विल कम्प्लीट 2 years pre-IMM surgery and allied training, and after that, they can apply for subspecialty induction within their allotted group in specialties other than orthopedic and neurosurgery in subspecialty induction July 25। इसका मतलब ये है कि अगर आपने अपनी preferences दी हैं लेकिन आपका merit इतना low है कि आपको कोई slot नहीं मिला, तो आप जो है अपने सर्जरी में 2 years complete कर लेंगे and then you apply to us for subspecialty in July 25, but इन जुलाई 25 आपको फिर ऑर्थोपेडिक और न्यूरो सर्जरी ऑफर नहीं किया जाएगा। ऑल दोज एप्लीकेंट्स हु फेल टू सबमिट देयर प्रेफरेंसेस ऑन पोर्टल बिफोर क्लोजिंग विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम स्लॉट एलोकेशन प्रोसेस। सर्जरी एंड लाइट के जुलाई 23 की जितने इंडक्टीज हैं उन सबके नेम्स यहाँ पे विजिबल हैं, ये सारे लोग जो हैं आज इन प्रेफरेंसेस को पोर्टल को अपना फिल करेंगे एंड पोर्टल जो है वो ओपन रहेगा 13 जून तक। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर कोई क्वेश्चन आंसर्स हैं तो प्लीज रेज योर हैंड्स। मोहम्मद उल्ला जान, प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर लें ताकि हम आपको सुन सकें। अस्सलाम वालेकुम मैम, आवाज आ रही है मेरी? अच्छा जी आ रही है बिल्कुल। वालेकुम सलाम। मैम, क्वेश्चन मेरा ये है कि कार्डियोलॉजी जैसे ग्रुप ए में भी है और ग्रुप बी में भी है, जी तो अगर कार्डियोलॉजी की जो कैंडिडेट्स है वो ग्रुप ए में ज्यादा है एज कम्पेयर टू ग्रुप बी, जी तो अगर कार्डियोलॉजी के सीट्स रह जाता है ग्रुप बी वाले, तो ये ग्रुप ए वालों को ऑफर होंगे या जनरल मेडिसिन वालों को दिए जाएंगे?
देखें, आप अपने ग्रुप से बिल्कुल भी रीशफलिंग नहीं कर सकते। आपका ग्रुप कौन सा है? मैं वह तो अभी ग्रुप ए है, लेकिन इसने हाँ, पूछा है कि फर्स्ट टाइम आ सके आपको इसलिए। जो ग्रुप ए में जितने स्लॉट्स हैं ना, आपने उसके मुताबिक ही आपकी स्लॉट एलोकेशन होगी। ये नहीं होगा कि ग्रुप बी में अगर बच गए तो वो आपको ऑफर हो जाएंगे। ठीक है, मैं आप सप्लाई अपने नहीं, प्रेफरेंसेस, आप अपनी प्रेफरेंसेस कार्डियोलॉजी में जो जितनी भी हमारे पास वेकेंट स्लॉट्स है ना, सपोज LRH है, KTH है, HMC, वो आपको भी विजिबल होंगे और जो ग्रुप बी वाला है उसको भी विजिबल होंगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ठीक जी मैम, लेकिन कंफ्यूजन है यहाँ पे है कि अगर कोई रह जाता है स्लॉट्स कार्डियोलॉजी के उसमें जी ग्रुप बी में, तो वो जी ऐसे मतलब वेस्ट हो जाएंगे या जनरल मेडिसिन वालों को ऑफर होंगे? देखिए, कार्डियोलॉजी जो है, आप लोगों को अगर कोई स्लॉट मिल जाएगा, पहली बात तो ये है कि आपको वो बचे हुए स्लॉट्स नहीं ऑफर होंगे। ठीक है, वो जी हम फिर आगे पार्शियल ट्रेनिंग वालों को देते हैं और फिर जनरल टू अनइनहेबिटेड में देते हैं, लेकिन कार्डियोलॉजी इज नॉट अनइनहेबिटेड, तो वो फिर वेस्ट ही चला जाता है अगर कोई भी नहीं लेता तो। ओके मैम, थैंक यू सो लेकिन मच। अगर आपको कोई स्लॉट मिल गया है तो रीशफलिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। ये नहीं होगा कि कार्डियोलॉजी जो है बी में सारे खाली भी रह जाएं तब भी आपको ऑफर नहीं होंगे, क्योंकि आपको अपना स्लॉट मिल गया है। आप मेरिट लिस्ट के कैप्शन को 2 दफा रीड कर लें। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। ओके जी, और कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज रेज योर हैंड्स। जी, सैमसंग सैमसंग गैलेक्सी कौन है जी? अपना माइक अनम्यूट कर लें, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क। जी नादिया, नादिया इकबाल, प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर लें। नादिया, वालेकुम अस्सलाम वालेकुम मैम। सलाम। जी मैडम, ये जो आप MIS अकाउंट की बात कर रही हैं, जी ये जब पहले हमने जिस पे लॉग इन हुए थे स्टार्ट में, इंडक्शन में, जी ये जी वही जी अकाउंट को कंटिन्यू करेंगे या दूसरा बनाएंगे? नहीं, यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। आप जुलाई 22 की इंडक्टी हैं कि जुलाई 23 की हैं आप? 23 की। अच्छा, आपने ऑर्थोपेडिक और न्यूरोसर्जरी में जाना है। जी, ओके, तो आपने जब जुलाई 23 में हमारे पास फ्रेश इंडक्शन की थी तो आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड थी हमारे पास। आपने अपना सिंपली लॉग इन होना है, CNIC और पासवर्ड डालना है, एंड दैट्स ऑल। अच्छा, वो पासवर्ड याद नहीं है तो उसका वो रिकवरी का उसमें है ऑप्शन? आप फॉरगॉट वाला ऑप्शन यूज कर सकती हैं और अपनी पुरानी ईमेल्स में भी चेक कर सकती हैं। जब आप पहली दफा हमारे साथ रजिस्टर्ड हुई थी तो PGMI ने आपको एक ईमेल की थी जिसमें आपका CNIC और पासवर्ड सेव होगा। अगर वो आपको नहीं मिल सकती ईमेल तो आप फॉरगॉट वाला ऑप्शन यूज कर सकती हैं। थैंक यू मैम। ओके, मोहम्मद इरफान, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, अपना माइक अनम्यूट कर लें। मोहम्मद इरफान हेलो जी मैम, मैं कह रहा था कि थोड़ा हम लेट हो गए, हम तो इधर राउंड कर रहे थे ना, तो ये जी जो वेबिनार हुआ है तो ये काइंडली अपलोड हो जाएगा? जी जी ये रिकॉर्डेड वेबिनार है और आपको यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, फेसबुक पे भी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा, आप इसको आराम से देख सकते हैं। ठीक है, जी, थैंक यू जी। ओके जी। एनी अदर क्वेश्चंस? डॉक्टर खान प्लीज माइक अनम्यूट कर लें। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम मैम। सलाम। मैम, मैं 2023 के जुलाई इंडक्टिव हूँ। अगर मैं ऑर्थोपेडिक या न्यूरो सर्जरी सेलेक्ट करूँ, मुझे स्लॉट भी मिल जाए और मैं वो स्लॉट अवेल ना करूँ, जी तो फिर मैं जो नेक्स्ट ईयर 2025 के जुलाई इंडक्शन प्लास्टिक सर्जरी और यूरोलॉजी के लिए मैं एलिजिबल हूँ या नहीं? जी जी आप कैप्शन को रीड कर लेना, आपने जो बात की है एग्जैक्टली वही वहां पे मेंशन्ड है। लेकिन जो आपने एक्सप्लेनेशन में कहा, तो आपने एक्सप्लेनेशन में पूरी नहीं कहा, इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा। नहीं, आप उसको रीड कर लें कैप्शन को, तो इसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, तो अगर आप स्लॉट मुझे अलॉट हो जाए और मैं अवेल न करूं फिर? जी जी बिल्कुल यही बात लिखी हुई है ना, इफ यू आर अच्छा, अलॉटेड अ स्लॉट बट यू डू नॉट अवेल इट, तो आप जी जो है फिर अपने ही यूनिट में सर्जरी कंप्लीट कर लेंगे एंड देन यू विल बी अप्लाइंग फॉर नेक्स्ट सब स्पेशलिटी इंडक्शन। ओके, थैंक यू। ओके मैं तब बिजी भाई, मैं थोड़ा वेबिनार शुरू है, रूम मीटिंग शुरू है,
इरफानुल्ला, इरफानुल्ला, इरफानुल्ला आप अपना क्वेश्चन पूछ लें, अपना माइक अनम्यूट कर दें। जी इरफान, मैडम वालेकुम सलाम। जी जी, मैडम मैं जुलाई 2022 का इंडक्टिव हूँ और ठीक है सर्जिकल ग्रुप बी में। ठीक है। तो मैं पूछ रहा था कि इसमें सरेंडर ऑप्शन कोई है, मतलब अगर हम ग्रुप ए के किसी उसमें जाते हैं जो लेफ्ट आउट होते हैं, नहीं 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 इसमें जा नहीं सकते हैं या प्लास्टिक सरेंडर सर्जन नहीं, सरेंडर का रिकवरी कोई ऑप्शन नहीं है, रीशफलिंग का कोई ऑप्शन नहीं है। आप जहां पे आपको स्लॉट मिल जाएगा, दैट विल बी योर फाइनल स्लॉट। ये आप मेरिट लिस्ट की जो है क्वेश्चन अच्छी तरह रीड कर लें, ठीक है। ग्रुप बी रीशफलिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। का? जी मतलब बी से ए या ए से बी में नहीं जा सकते किसी भी नहीं नहीं सूरत नहीं में? नहीं बिल्कुल भी सवाल ही नहीं पैदा होता। आप अगर बी में हैं हमारे पास, तो आपको बी के ही स्लॉट शो होंगे, और अगर ए में है तो आपको ए के स्लॉट शो होंगे। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके। अब्दुल अजीज शाह, आप अपना माइक अनम्यूट कर लें। और अब्दुल अजीज मैडम ये एक क्वेश्चन करना था, जी पूछे। अगर फॉर एग्जांपल एक ट्रेनी किसी एक स्पेशलिटी में जाना चाहे, लेट्स से हेमाटोलॉजी, और उसको उसमें इंडक्शन ना मिले, तो क्या वो जनरल मेडिसिन थर्ड ईयर में जा सकता है? नहीं, आप अगर स्लॉट, आप मुझे पहले बताएं जुलाई 23 के हैं या जुलाई 22 के हैं। 22 के ठीक है, आप जाना कहाँ चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी एक स्पेशलिटी में जाना चाहे, जैसे हेमाटोलॉजी हो गया या न्यूरोलॉजी हो गया, और उसमें ठीक उसको ना मिले है, स्पेशलिटी, सही है। तो क्या वो जनरल मेडिसिन में रह सकता है या अरे वो? आपको अगर जनरल मेडिसिन में आना है ना, तो यू हैव टू चेंज योर आरटीएमसी, और आरटीएमसी चेंज करना जो है वो पीजीएमआई अलाउ नहीं करता उसको, ठीक है। बेशक कि सीपीएसपी अलाउ कर देता है, लेकिन फिर आप अगर आरटीएमसी चेंज करके अपने आप को जनरल मेडिसिन में लेके आएंगे, तो यू विल नॉट बी देयर ऑन पीजीएमआई पेरोल, ठीक है। तो सीपीएसपी अपनी पेनल्टी लगाती है, पीजीएमआई अपनी पेनल्टी लगाती है, सो बी वेरी केयरफुल। ओके, ओके इसके अलावा मैडम अगर कोई ट्रेनिंग से रिजाइन करना चाहे, जी स्टाइपेंड का क्या होता है, वो वापस करना होता है? आपके अगर 2 इयर्स कंप्लीट हैं, तो फिर रिफंड नहीं होता। अच्छा, और मैडम जी अनइनहेबिटेड स्पेशलिटीज कौन कौन सी होंगी फिर? अनइनहेबिटेड तो हमारे पास इंडक्शन पॉलिसी में मेंशन्ड है ना, आप देख लें उसको, रीड कर लें, वेबसाइट पे मेंशन्ड है। मेडिसिन की अपनी है, सर्जरी की अपनी है, तो लिस्ट मेंशन्ड है वेबसाइट पे। ओके थैंक जी आई थिंक देर आर नो मोर क्वेश्चंस, सो वी एंड दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। अगर आपकी कोई क्वेरीज रह गई हैं अभी, तो यू कैन आस्क ऑन पीजीएमआई हेल्पलाइन, एंड आई विश ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड लक। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। गुड बाय।